अब अगली जो कविता है हास्य कविता वो उन लड़कों के नाम है जो शेयरिंग ऑटो से आते हैं। शेयरिंग मुझे फ्री में या बगैर रिस्क के कहो लड़कियों के साथ ड्राइव में जाने का एक तरीका मेरे दोस्त मनोज भंडारी ने बताया। उसने कहा पूछना भी नहीं पड़ता, पिटना भी नहीं पड़ता, पर हर बार लड़की भी अलग। तो लेकिन यार वो तो सुधर गया, वो तो सुधर गया, मुझे बिगाड़ गया। अब फिर मुझे पब्लिक ने बाद में कैसे सुधारा ये आपको मैं आगे बताऊं कविता में। अब थोड़ा सा मैं बता दूं, शेयरिंग ऑटो शायद सर आपने तो नहीं देखा होगा। सर बिल्कुल सही। तो शेयरिंग ऑटो में सर पीछे दो सीट लगी होती है, आमने सामने की। तो मैं पीछे वाली सीट के लेफ्ट साइड कॉर्नर में हूँ, सामने वाली सीट के राइट साइड कॉर्नर में। शर्म आ रही थोड़ा सा, पर आप समझ गए होंगे। तो बाकी आगे का हाल कविता के रूप में कि ऑफिस जाने के लिए जैसे ही ऑटो में चढ़े, चढ़ते ही नैना एक हसीना से लड़ी। वो हसीना मुझे तिरछे नजरों से देखे जा रही थी, हाय अपने नैनों के बाण मुझको फेंके जा रही। पर पहले तो जैसा मेरा स्वभाव है मैंने इग्नोर किया। पहले तो मैंने इग्नोर किया, पर अचानक ख्यालात बदलने लगे, आखिर लड़के हैं हम भी घूरने लगे। अब कोई देखता तो सर हम नजर नीचे कर लेते, तो कभी इधर उधर देखने के बहाने ही देख लेते। फिर एक बार हिम्मत करके मैंने उसको हाय कर दिया। वो कुछ ना बोली, मैं गंवार हाँ समझ गया। ये थिंक पॉजिटिव हमेशा काम नहीं आता, आपको आगे पता लग जाएगा। तो मैं हाँ समझ गया। अब मन में सितार गिटार बजने लगे, हम खुद को सलमान खान समझने लगे। एक्स का डीओ ढेर सारा लगा दिया, एडवर्टाइजमेंट भी झूठे होते हैं आगे पता लग जाएगा। एक्स का डीओ ढेर सारा लगा लिया, आंखों में चश्मा दबंग वाला चढ़ा लिया। सलमान खान की बात अलग है, आप लोग मत करना मेरी तरह। आंखों में चश्मा दबंग वाला चढ़ा लिया। यूं तो इस खेल का डेब्यू मैच खेल रहे थे, यूं तो इस खेल का पहला मैच खेल रहे थे, पर खुद को सचिन तेंदुलकर समझने लगे, आगे बढ़ के खेलने लगे। ऑटो वाला, वो भी यही सब करते हैं। ऑटो वाला देख देख जला जा रहा था सारा। ऑटो वाला देख देख जला जा रहा था, क्योंकि मैं उससे ज्यादा रन बना रहा था। आशिकी टू के गाने लगा के मुझे रनआउट कराने की कोशिश कर रहा था, और साइड मिरर का पूर्ण दुरुपयोग कर रहा था। फिर मौका देख के मैं भी क्रीज से निकल गया, उसके सामने की सीट खाली हुई, मैं उसमें बैठ गया। पर मुझे क्या पता था कि ऐसी गुगली आएगी, मेरी विकेट चले जाएगी। हुआ यूं कि अब उसकी नजरें मेरी सीट पे आकर बैठे हुए एक बुड्ढे से टकराने लगी, और उस बुड्ढे के मन में भी सेम भावनाएं जागने लगी। अच्छा, प्रैक्टिस के टाइम पे मुरारी जिस बात पे नाराज हो गए, इस लाइन पे पता नहीं क्यों नाराज हो गए। मैंने कहा भाई आपके ऊपर थोड़ी ना है, फिर भी गुस्सा। मैंने कहा भाई अगर आपके ऊपर है भी तो मैंने आपका नाम थोड़ी ना लिया है। तो अब उस बुड्ढे के मन में जब सेम भावनाएं जागने लगी, तो अब बुड्ढा भी किस्मत अजमाने लगा। अभी तो मैं जवान हूं गुनगुनाने लगा, पर हद तो तब हो गई जब उसे परफ्यूम और मांगने लगा। लेकिन मुझे पता चल गया था दोस्तों की दाल में क्या काला है, क्यों इसको नहीं दिखता कि अपन कितना काला, और ये बुड्ढा तो बीवी बच्चों वाला है। दरअसल लड़की तो भली थी, सामने देख रही थी, वो तो उसकी टेढ़ी आंखें थी जो गलत सिग्नल दे रही थी। पर बात यही खत्म हो जाती तो ठीक थी, पर मेरी बदकिस्मती देखो, उसके साथ बैठी उसकी सहेली पहलवान। सही में बदतमीज लड़का है बोल के गाड़ी से उतार दिया, मानने को सैंडल नामक हथियार उठा लिया। चार पांच सैंडल चांद पे लगा दी, मैंने हाथ पकड़ा तो एक घुसन में बत्ती सी ला दी। बहुत जानता,
बोलना था, अब मौके में थोड़ा बदलना तो पड़ता ही है, बोलना था बहन माफ कर दो, बोलना था बहन माफ कर दो पर आदत से मजबूर, बंदी निकल गया मुंह से। फिर क्या था, फिर तो फुटबॉल ही बना दिया। अच्छा तिरछी नैनो वाली जो तुम जैसे शांत बैठी थी, तिरछी नैनो वाली भी फॉर्म में आ गई, बाल बिखेर दिए ऐसे जैसे भूतनी समा गई, रैपटे ही रैपटे बजाती चलेगी, हाथ मैंने जोड़े तो उंगली चबा गई। रोना आ रहा है। फिर मारा दोनों ने मुझे भर भर के, सीने में लात धर धर के, दर्द में यही आवाज आ रही थी रोम रोम से, साला भंडारी को बताऊंगा घर चले। अब इतने में अचानक एक के हाथ में रोड पता नहीं कहां से आ गई, और चूहे जैसे हाथ में जोर जोर से तोहफा कर आ गई, और इससे पहले कि मैं दुम दबा के भागता, क्या हुआ क्या हुआ बोलते जैसे आपको पता, पब्लिक और आ गई। अब ऑटो वाला और बुढ़ा भी रंग बदलने लगे, बहन को छेड़ता है बोलने लगे, और सब के सब हीरो बनने लगे, अक्षय कुमार के स्टैंड मुझ पे चलने लगे। एक्स का डीओ मिट्टी में मिला दिया, और आंखों में सनग्लासेस भूसों से ही बना दिया। डेब्यू मैच में ही मेरा रिटायरमेंट कर दिया, बाउंसर इतनी लगी कि मेरे को बेहोश कर दिया, कपड़े फाड़ दिए सारे, पर शुक्र है कि पैंट छोड़ दिया। उस दिन से हमने लड़की ताड़ना छोड़ दिया।